तीसरा सूत्र, तीसरा सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपको कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी कभी नहीं पीना। ठंडा पानी से मतलब क्या है? ठंडे पानी से मतलब है रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी, ठंडे पानी से मतलब है बर्फ डाला हुआ पानी, ये कभी भी नहीं पीना है। क्यों? आप ही मुझे बताओ, अगर आपका शरीर ठंडा हो जाए तो अच्छा है? नहीं तो क्यों चाहते हैं आप ठंडा पानी पीना? अगर शरीर ठंडा नहीं हो तो अच्छा है, और हो जाए ठंडा तो आप मर जाएंगे, तो क्यों ठंडा पानी पीना चाहते? शरीर के अनुकूल नहीं है। तकलीफ क्या आती है वो समझ लीजिए। आप जैसे ठंडा पानी पीते हैं, शरीर ठंडा ना हो जाए इसके लिए पोट में वो पानी गर्म करना पड़ता है। आप कितना भी ठंडा पानी पिएंगे पोट उसको गर्म करेगा, और पानी को गर्म करने के लिए ऊर्जा लगती है, और वो ऊर्जा है आपका रक्त। तो ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो पोट उस पानी को गर्म करने के लिए पूरे शरीर से रक्त को खींचेगा, तो शरीर का सारा रक्त पोट में आएगा, तो शरीर के बाकी अंगों और उपांगों को रक्त की कमी आ जाएगी उतनी देर के लिए जब तक वो पानी गर्म नहीं होता। और अगर शरीर के अंगों को बार बार ये रक्त की कमी आती रही तो ये अंग खराब हो जाएंगे, और आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, आपके किसी भी शरीर के अंग का कवाड़ा निकल सकता है। इसलिए ठंडा पानी कभी नहीं पीना। और ठंडे पानी का एक दुष्परिणाम, वो मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से, जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं उनकी अंतड़ियों में संकुचन बहुत आ जाता है, इंटेस्टाइन संकुचित हो जाए, और इंटेस्टाइन अगर संकुचित हो तो फिर पेट साफ नहीं हो सकता, संडास साफ नहीं आएगा, और जिनको संडास नहीं आएगी उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन मदर डिसीज है, सभी बीमारियों की आई है कॉन्स्टिपेशन। अगर एक कॉन्स्टिपेशन आ गया, कोष्ठबद्धता, कब्जियत, तो सैकड़ों बीमारियां अपने आप चल के आएगी। आप हमेशा पानी कैसा पीना, तो आप बोलेंगे घड़े का पानी पी सकते हैं क्या? हाँ, घड़े का पी सकते हैं। मिट्टी के बने हुए घड़े का पानी कभी भी चिल्ड वाटर नहीं होता। चिल्ड वाटर का मतलब है जिस पानी का तापमान 15 डिग्री से कम हो, और मिट्टी के घड़े में पानी आप रखेंगे तो उसका तापमान जो रूम टेम्परेचर है उससे 2 या 3 डिग्री ही कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता। इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, वो ठंडा नहीं माना जाता। तो आप अभी गर्मी का दिन है, मिट्टी के घड़े का पानी पियो, फ्रिज का पानी मत पियो। जो फ्रिज का पानी पियोगे तो जिंदगी भर 2 बीमारियों से लड़ना ही पड़ेगा आपको, एक तो ये गुड़गे दुखना, कमर दुखना, कंधे का त्रास, और दूसरा वजन बढ़ता ही जाएगा, कमर भी दुखेगी, घुटने भी दुखेंगे, वजन भी बढ़ेगा, और कोई डॉक्टर दुनिया का आपको ठीक नहीं कर पाएगा इस बीमारी से। वो कहेगा वजन घटाने के लिए कुछ दवा खा लो, दवा खाएंगे थोड़े दिन घटेगा, फिर उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा और तकलीफ आएगी। कहेगा घुटने का दर्द खत्म करने के लिए पेन किलर खा लो, जितनी देर दवा खाएंगे घुटने का दर्द बंद रहेगा, फिर दवा का असर खत्म हुआ फिर वापस आएगा। इसलिए फ्रिज को पानी के लिए उपयोग नहीं करना, ये आप अपने घर का नियम बना लो। फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना, ये तीसरा सूत्र है।